मार्केट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्र में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचना है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर सक्षमती पॉइंट को के नाम से एक फाउंडेशन कोर्स लॉन्च हुआ है जो कि जिसकी फीस जो बहुत कम ही रखी गई है, मात्र 4,499 रुपए है, जिसमें भारत के जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं वो टीम आपको पढ़ाएगी, मार्गदर्शन देगी, गाइडेंस देगी। आप पूरी लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। और इस फाउंडेशन कोर्स में आपको बेसिक से एडवांस तक पढ़ाया जाएगा, लाइव क्लासेस चलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे, डेली क्लास नोट्स मिलेंगे, 24/7 डाउट क्लियरिंग सेशन चलते रहेंगे, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण होगा, मंथन मासिक करंट अफेयर्स की पत्रिका भी मिलेगी। इसमें एक ऑफर भी है, अगर ऑफर ये कि इसमें अगर आप परचेज करते समय एक कोड का प्रयोग करते हैं PSC005 तो आपको 999 रुपए की छूट भी मिल जाएगी और ये कोर्स आपको लगभग 3500 रुपए में मिल जाएगा। ये सारा स्टडी मटेरियल आपको फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म के इस ऐप पर मिलेगा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। इसकी जैसे वैलिडिटी 31 दिसंबर 2024 तक है, लगभग 2 साल तक आपको इसे कुछ मिलेगा। टीचर कौन कौन से पढ़ाएंगे, किस तरीके से पढ़ाई होगी, कौन कौन से टीचर है, क्या सिलेबस कवर करवाया जाएगा, ये सारी की सारी जो चीजें हैं आपको इस ऐप पर मिलेंगी। इस ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बायलिंगुअल आपकी पढ़ाई, 3 दिन की क्लासेस इसमें निःशुल्क भी हैं, डेमो क्लासेस उसे भी आप लोग देख सकते हैं। और फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म वैसे भी अपनी बेहतरीन पढ़ाई के लिए जाना जाता है। वहीं पर जो विद्यार्थी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को पीसीएस मेंस में जो एक नया सब्जेक्ट जोड़ा गया है पेपर 5 और पेपर 6 यूपी स्पेशल का, वो बुक भी 19 छात्रों को मिले और ये बुक भी काफी अच्छी जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो भी सिलेबस बताया था सारा का सारा जो सिलेबस है इस बुक में कवर किया गया है। सबसे पहले सूचना है, भीषण गर्मी से देवरिया में 53, बिहार में 40 और प्रयागराज में 23 की जान गई, बलिया में 9 दिनों में 124 मौतें, गर्मी के चलते लू के मरीज बढ़े। तो सभी छात्रों को और सभी लोगों को थोड़ा सा अलर्ट रहने की भी आवश्यकता है। और यहाँ पर देख रहे हैं लिखा है कि उत्तर भारत की प्रचंड गर्मी अब जानलेवा हो चुकी है, यूपी और बिहार में कई जगहों पर रविवार को तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार रहा, आसमान से बरस रही आफत के चलते यूपी के देवरिया में लू ने पिछले 24 घंटे में 53 लोगों की जान ले ली है। वहीं बलिया में रविवार को भीषण गर्मी की वजह से बीमार हुए 3 और लोगों की मौत हो गई, पिछले 9 दिनों में 124 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर बिहार में भी 2 दिनों में 40 और प्रयागराज में गर्मी व अन्य कारणों से 10 दिनों में 23 की मौत हो चुकी है। राज्य विश्वविद्यालय के परीक्षार्थियों को राहत भर्ती में हो सकेंगे शामिल, वीडियो री एग्जाम उत्तर प्रदेश में 26 और 27 तारीख को होना है और इन्हीं तारीखों में 2-3 परीक्षाएं और थीं, जैसे एक डीएलएड की सेमेस्टर परीक्षा थी जिसको स्थगित कर दिया गया, अब वो 3 से 8 अगस्त के बीच में होंगी। और इसी तरीके से एक और परीक्षा थी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय की BEd BA LLB की, तो इस परीक्षा के लिए भी विद्यार्थी मांग कर रहे थे। और लिखा हुआ है कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय BEd BA LLB और LLB की सत्र 2022-23 की 23 जून से प्रस्तावित सम सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने जा रहे परीक्षार्थियों को बहुत बड़ी राहत मिल गई है। राज्य विश्वविद्यालय ने 26, 27 जून और 2 जुलाई को प्रस्तावित परीक्षा स्थगित कर दी है। परीक्षार्थी अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO में विभिन्न पदों एवं ग्राम विकास अधिकारी के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने जा रही परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग ने वीडियो के 1953 पदों पर भर्ती के लिए 1 जुलाई 2018 को विज्ञापन जारी किया था। अगली जो सूचना है वो लिखा कि प्रदेश की 2 प्रमुख भर्ती संस्थाओं के पास कोई काम नहीं, महीनों से सब कुछ ठप। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग व चयन बोर्ड में कोरम पूरा नहीं है, प्रतियोगी ने उठाए सवाल, बिना काम के ही कर्मचारियों को मिल रहा है वेतन। नए आयोग के बहाने जो पुराने भर्ती बोर्ड है सरकार ने वहां पर ना तो चेयरमैन नियुक्त किए और ना ही सदस्यों को नियुक्त किया, बाकी के सारे सारे जो कर्मचारी हैं पूरा सिस्टम वही है और कोई काम इन दोनों आयोगों और चयन बोर्ड पर नहीं हो रहा है। लेकिन प्रदेश की 2 बड़ी संस्थाओं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास महीनों से एक काम नहीं है, इन दोनों संस्थाओं के 75 से अधिक कर्मचारियों को बिना काम के वेतन दिया जा रहा है, इनमें कई स्थायी कर्मचारी हैं तो कई आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 2022 में पूरी हो चुकी है। सारी जो कहानी वही है जिससे आप लोग परिचित हैं। और यहाँ पर जो मुद्दा ये उठाया है वो प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति ने लिखा, प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे और प्रतियोगी छात्र मोर्चा के अध्यक्ष विकी कान का कहना है कि इन दोनों भर्ती संस्थाओं ने अभ्यर्थियों के आवेदन से करोड़ों रुपए कमा लिए हैं, अगर इन भर्ती संस्थाएं अपना काम नहीं कर पा रही हैं तो इन पर ताला लगा देना चाहिए और कर्मचारियों को किसी दूसरी जगह समायोजित कर दिया जाना चाहिए, साथ ही स्पष्ट किया जाए कि बिना काम के वेतन क्यों दिया जा रहा है। अगली जो सूचना है, प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती होगी, आदेश जारी, क्या योग्यता है, क्या चयन प्रक्रिया, इसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सरकार अपने संविदा के एजेंडे पर एक कदम और आगे बढ़ गई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं विद्यार्थी क्योंकि कई दिनों से मांग कर रहे थे कि जितने भी प्रदेश के माध्यमिक विद्यालय है वहां पर कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती किया जाए। जैसे अपने यूपी बोर्ड में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट में कंप्यूटर है सब्जेक्ट है मगर कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती नहीं होती है,
इसी तरीके से जितने भी जीआईसी राजकीय विद्यालय हैं अशासकीय विद्यालयों के साथ, वहां पर भी एक एलटी की वैकेंसी आई थी पहली बार, जिसमें कंप्यूटर शिक्षक को भी रखा गया था, लेकिन उसमें बहुत सारे जो पद हैं वो अग्रणित कर दिए गए थे, मिनिमम कट ऑफ विद्यार्थी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो उसी के क्रम में कुछ दिन पहले रिक्त पदों का जो विवरण मांगा गया था, और ये भी विवरण इकट्ठा किया गया था कि किन किन विद्यालयों में कंप्यूटर विषय पढ़ाया जाता है और कहां कहां पर कंप्यूटर शिक्षकों की आवश्यकता है। उसी क्रम सरकार की तरफ से नियुक्त अधिकारियों की तरफ से एक कार्यवृत्त यहां पर आप लोग देख सकते हैं, जिसमें ये बताया गया है कि अब कंप्यूटर जो शिक्षक हैं वो एलटी ग्रेड के जितने विद्यालय यानी जीआईसी में और माध्यमिक में किस तरीके से होंगी। तो एक कमेटी बनाई गई थी और ये एक बैठक हुई थी जिसमें बहुत सारे लोगों के यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं, शिक्षा विभाग के श्री विष्णुकांत पांडे, श्री ब्रज बिहारी कुशवाहा, श्री विकास श्रीवास्तव, श्री भगवत पटेल, श्री राकेश कुमार, श्री धीरेन्द्र कुमार मिश्रा प्रधानाचार्य। और इस मीटिंग में निर्णय लिया गया इस बैठक में कि किस तरीके से जो 890 राजकीय माध्यमिक विद्यालय है वहां पर कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती हो। तो यहां पर वो जो कार्यवृत्त जारी किया गया है उसका सार ये है कि अब संविदा के आधार पर भर्ती होगी। राज्यपाल ने इसके लिए महोदय ने सर स्वीकृति भी प्रदान कर दी है। लिखा हुआ है कि सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन जेम पोर्टल के माध्यम से इस संबंध में निर्गत समस्त शासनादेशों का अनुपालन करते हुए किया जाएगा कि कंप्यूटर शिक्षक के लिए क्या योग्यता होगी, किस तरीके से भर्ती होगी, इस नियमावली की बात हो रही है। निर्धारित अर्हता धारित करने वाले पात्र सक्षम अभ्यर्थियों का चयन ही कंप्यूटर शिक्षकों के रूप में दिया जाएगा। कितना वेतन मिलेगा इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि समग्र शिक्षा माध्यमिक के अंतर्गत कंप्यूटर शिक्षक के लिए भारत सरकार द्वारा 10 माह हेतु 30,000 रुपए मात्र प्रतिमाह की दर से धनराशि अनुमोदित है। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि सेवा प्रदाता के माध्यम से चयनित कंप्यूटर शिक्षक को मानदेय 10 माह हेतु सेवा शुल्क एवं जीएसटी सहित धनराशि भुगतान किया जाएगा। अतः कंप्यूटर शिक्षक को टोटल 25,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। जिस तरीके से टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड की भर्ती होती है उसी तरीके से ये भर्तियां भी होनी चाहिए। और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर शिक्षक की अर्हता क्या होगी, तो अर्हता यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। लिखा है कि कंप्यूटर शिक्षक के लिए बीटेक या बीई कंप्यूटर विज्ञान में, कंप्यूटर विज्ञान में विज्ञान स्नातक, कंप्यूटर एप्लीकेशन विज्ञान स्नातक, कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक अथवा NIELIT से ए स्त्री पाठ्यक्रम के साथ में स्नातक की उपाधि, यानी कि NIELIT से विद्यार्थी को ए लेवल होना चाहिए, वो भी यहाँ पर आवेदन कर सकता है। और साथ में ये इनमें से एक चीज रहेगी और दूसरा ये भी रहेगा, भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शिक्षा स्नातक अथवा समकक्ष की उपाधि। तो इसके साथ में विद्यार्थियों को बीएड करना होगा, वही विद्यार्थी आवेदन कर पाएंगे। तो फर्म के बारे में जो सेवा प्रदाता परीक्षा जो एजेंसी है उसके बारे में लिखा हुआ दिशा निर्देश कि किस तरीके की हो, कितनी पुरानी हो, उसका टर्नओवर कितना होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है, सारा जो सब कुछ है इस नियमावली में यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये कार्यवृत्त है, इसकी डेट पड़ी हुई है 31 मार्च 2023 को ये निर्णय लिया गया कि कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती इस प्रकार होगी। वहीं पर अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड के सदस्य विजय भूषण जी के साक्षात्कार की, जिन्होंने कल कहा था कि पुलिस विभाग में बंपर भर्तियां होंगी, 1 महीने के अंदर विज्ञापन जारी होगा, 51,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी, 9500 के आसपास दरोगा भर्ती का विज्ञापन निकालेंगे, बहुत सारी बातें उन्होंने कही। तो सार निकल करके ये आया है कि इसमें अभी दरोगा भर्ती में इतने पद नहीं है और ये जो किस तरीके से उन्होंने बोला है ये किसी इस्तेमाल में नहीं है, कोई जानता नहीं है, और ये इतने पदों पर वैकेंसी दरोगा की नहीं आ रही, एक बात। इसी तरीके से पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में जो उन्होंने 51,000 कहा तो उसमें भी 51,000 पद नहीं। पुलिस कांस्टेबल भर्ती का जो विज्ञापन है वो लगभग 36,000 पदों पर आएगा, जो जानकारी निकल करके आई है। और हाँ, एक बात जानकारी ये मिली है अच्छी कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड से जल्द जारी होने वाला है और साथ में दरोगा भर्ती पर भी लगातार काम हो रहा है। कुछ अन्य सूचना जल्दी से देख लीजिए। गीता प्रेस को मिलेगा 2021 का गांधी शांति पुरस्कार। इसके पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि ओमान के सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को 2020 में बांग्लादेश के शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को भी मिल चुका है। तंजानिया के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जूलियस नेहरे सहित कई प्रसिद्ध लोगों को इससे पहले ये पुरस्कार दिया जा चुका है। अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है। आज के समाचार पत्र में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कि नई भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है। चिकित्सा विभाग में जो भर्ती आई है लेक्चरर वैज्ञानिक अधिकारी आज के पदों पर 395 पदों पर ये भर्ती हो रही है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।